नमस्कार, मैं प्रदीप चंद्र पांडे। आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती को यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के चिकित्सा के हालात। बस्ती में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया, कई अस्पताल को मेडिकल का रूप दे दिया गया और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में सबसे बेहतर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध। इससे अलग अगर हम देखें तो गली मोहल्लों तक में निजी नर्सिंग होम खुल गए हैं। अधिकांश नर्सिंग होमों के पास न तो मानक हैं, न उनके पास अच्छे चिकित्सक हैं, न कोई व्यवस्था है, लेकिन नर्सिंग होम का धंधा है कि चल रहा है। ये नर्सिंग होम चर्चा में तब आते हैं जब किसी मरीज की या किसी प्रसूता की मौत हो जाए। कुछ दिन निजी नर्सिंग होम बंद रहते हैं, फिर ना जाने किस कीमत पर चलने लगते हैं। चिकित्सा के नाम पर बस्ती में धंधेबाज सक्रिय है। अगर भगवान न करे कि आपको कोई बीमारी हो गई और कोई लूट वाला डॉक्टर मिल गया, तो अधिकांश डॉक्टर अब आपके बीमारी की दवा नहीं लिखते, वो अपने एजेंटों की दवा लिखते हैं जहां से उनको अच्छा खासा कमीशन मिल सके। हालात ये हैं कि ऐसे ऐसी दवाएं कुछ चिकित्सक लिख रहे हैं जिसमें कमीशन का स्तर 50 से 70% है। मरीज की जिंदगी बचे या चूल्हे के भाड़ में जाए, लेकिन डॉक्टर तो माला माल हो रहे हैं। कई डॉक्टर रातों रात करोड़पति हो गए, उनके नर्सिंग होम हो गए और मरीज दिन प्रतिदिन बेहाल होता जा रहा है। उसको ऐसी भी दवाएं खानी पड़ रही हैं जिसकी उसे बीमारी ही नहीं। जांच होती है लेकिन कार्रवाई कितने डॉक्टरों के खिलाफ हुई कुछ नहीं पता। कितने मरीजों की मौत में डॉक्टर दोषी पाए गए कुछ नहीं पता, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का जो खेल है, ये जो मिला जुला तंत्र है, इसने एक सड़ांध पैदा किया है। यही कारण है कि अब बस्ती के अधिकांश लोग इलाज के लिए लखनऊ जाने लगे हैं, जो एक बड़े खतरे की घंटी है। अच्छा हो कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सरकार ने दिया है, वो निजी नर्सिंग होमों उनमें दर्ज चिकित्सकों पर भी नजर डालें कि क्या जो जिन डॉक्टरों के नाम दिए गए हैं वही डॉक्टर वहां बैठते हैं, क्या धंधा नहीं चल रहा है। कितने मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहां फार्मासिस्ट बैठते हैं। सच तो ये है कि यह खेल कई वर्षों से जारी है और जिम्मेदार चुप साधे हुए हैं, कभी कभी जागते हैं और कहा जाता है कि रिश्वत की ताकत पर ही खामोश हो जाते हैं। अब ये हालात बदलने ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।